आज से 20 साल पहले जब ये मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे तो सबने थोड़ा बहुत याद होगा लोगों को कि हम लोग के पास एक काला फोन हुआ करता था और वो एक ड्राइंग रूम में रखा रहता था। तो जब कभी फोन आता था तो लोग उठा के बात करते थे। तो ऐसे नहीं कि मोबाइल लेके बाहर चले गए, ऐसा कोई उसका प्रोविजन नहीं था, वहीं खड़े होकर ही बात करनी पड़ती थी। एक बार की बात कर दिया थी, जैसे आजकल कर दिया है स्टेट जी के यहाँ जो है ड्राइंग रूम में रात को फोन बजा, उनका उनका फोन बजा तो वो कर रहा फोन मुझको। तो वाइफ ने कहा जाके देखो भाई कोई जरूरी फोन होगा, तभी फोन आया। उन दिनों फोन ऐसे फालतू नहीं आया करते थे कि तुम कैसे हो क्या हो, ऐसा चक्कर नहीं होता। तो वो रजाई उजाई उतार के किस तरह से वहां पहुंचे, उन्होंने फोन उठाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया उधर से जो है ताबड़तोड़ गालियां चलने लगी, बहुत तेज उन्होंने गालियां उसको दी। तो ये कहने अरे अरे कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, इन्होंने भी गुस्से में उसको गालियां दी और इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, चेहरा लाल हो गया। उसने बहुत सारी इनको दी, इनके फादर मदर को दी, इनके परिवार को दी, इनकी वाइफ को दी, गालियां बकते ही जा रहा था। उसने कहा तुम बताओ तो तुम कौन बोल रहे हो, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो। तो उसने कहा आप अग्रवाल बोल रहे हैं, तो हाँ करे मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। कहना अरे मुझे तो गुप्ता जी से बात करनी थी। और उसने कह दिया तो इन्होंने कह दिया, उसने कह दिया कि सॉरी और मैं गुप्ता जी को मिला रहा था, आप कहाँ से बीच में आ गए। उसने कहा भाई आपने मुझे गालियां दे दी और आपने पूछा भी नहीं कि गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अग्रवाल बोल रहे हैं, मैं तो अग्रवाल बोल रहा हूँ और मैं तो सो रहा था, आपने जगा के मुझे इतनी गालियां दे दी। और उसके हाथ पांव भी गुस्से में बहुत कांपने लगे। फिलहाल सॉरी सॉरी एक दूसरे को कहा, फिर फोन रख दिया। फिर वो कमरे में आया अपने वाइफ के पास, उसने पूछा कौन था, किसका फोन था। कहने नहीं कोई नहीं था। तो कहना तुमको इतना पसीना आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, और कौन था वहां। कहना नहीं रॉन्ग नंबर था। तो वो जो था शरीर जो है ठंडा हो गया ये जानकर कि ये रॉन्ग नंबर था, इसकी गालियों उनकी गालियों का हमसे कोई संबंध नहीं था। तो उसको कोई असर नहीं हुआ, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया। मैं ऐसे कभी कभी सोचता हूँ कि शब्द जो है संसार क्या है, शब्द ही है। शब्द आप मेरे लिए कोई अच्छा कहते तो हम हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे मन से, और शब्द कोई खिलाफ कोई कहते हमारे तो हम जो है धरातल पे उतर के चलने लगे। शब्द का इतना असर जो है वो होता है कि शब्द ही मन की शांति को जो है वो दूर कर देता है, शब्द ही मन को जो है चंचल कर देता है, शब्द ही मन को जो है दुखी कर देता है, और शब्द ही जो है बैठे बैठे आपको दुखी कर देता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है कि शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना सब जानते हुए, इतना आपके वचनों को सुनते हुए और गुरु के वचनों को लगातार इतने सालों से कान में उल्टा सीधा छोटा मोटा ठंडा गर्म सुनते हुए, लेकिन जो है शब्द का बड़ा प्रभाव जो है चित्त पे पड़ता है। तो उसकी वजह से जो है मन जो है वो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। जरूरी नहीं कि बहुत धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए या पास हो जाए, वो तो इच्छाएं अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन शब्द जो है आदमी को जो है बेचैन कर देता है। मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी शब्द का इतना प्रभाव पड़ता है कि देखिए ये मैं अपने जो भी बता रहा हूँ तो मैं अपने जीवन में और दुखी होके बता रहा हूँ, ये शब्द ने कितना जो है हम लोगों को बेजार कर दिया है, उन्होंने कितना बेजार कर दिया है शब्द ने। कि देखिए कभी कोई सत्संग में भजन चला, हम उसको हमने सुना, अभी वो सुनने के बाद जो है उस भजन के हमने ऐसा लगेगा मुझको कि मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और हमने सुन लिया भजन, चलो ठीक है बच्चों ने गाया, आपने गाया, किसी सत्संगी ने गाया। सुबह 4 बजे जब उठे कोई भजन की लाइन चलने लगी, हमने कहा यार इस भजन की भी क्या जरूरत थी, हमारी समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम ब्रश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ब्रश रोक के जो
उसको दो लाइन जो है गाइड, उसको जो है या तो फिर डायरी में देखने लगे कि क्या था, वो बजट का था पता नहीं कहीं। तो हमने कहा ये रिखु शब्द, और कभी क्या होता है कि किसी के साथ जो है किसी कोई बात हो गई, सब भला भला हो गया, हमने भी सॉरी कह दिया, उसने भी सॉरी कह दिया, उसने भी माफी मांग दी, हमने भी माफी मांग ली, सब हो गया। सुबह 4 बजे 5 बजे उठे, जब सतगुरु की फुलवारी में जय गुरु जी की डाला, उसके बाद फिर ब्रश व्रश करने के लिए गए, कुछ गए तो वही बात फिर ख्याल आ गई, फिर वो राग द्वेष पैदा हो गया। हमने कहा शब्द जो है कितना समृद्धि, कितना जो है तीक्ष्ण प्रहार करता है मन को, जो हमको जो है विचलित कर देता है, अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी। एक जगह पे कबीर दास ने कहा है कि अष्ट कष्ट से होते हैं लीला अगम अपारे, अष्ट कष्ट से होते हैं लीला अगम अपारे। और एक लाइन और थी कि कहे कभी चित चेत से आवागमन विचारे, अष्ट कष्ट से होते हैं। वो कहते हैं कि 8 तरह के कष्ट जो है वो होते हैं, उन्होंने उसको कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर दास ने उसकी जब वो करी विवेचना करी तो उन्होंने जाना कि अष्ट कष्ट को उन्होंने कहा कि जैसे 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, ये कर्म करती हैं, तो जब ये कर्म करती हैं तो इससे कष्ट आता है, 2 हो गए मन और बुद्धि, 7 हो गए, और ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियां जो है ये काम करती हैं, मन बुद्धि मिला के जो है ये 7 हो गए, और 1 हो गया हमारा शरीर। ये 8वीं चीजें जो है हमको समय समय पे जो है वो कष्ट देती रहती। हम देखते हैं कि ये जबान जो है हमारी वो 3 इंच की है, और उससे ये ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ज्ञान इंद्रिय कैसे कि जैसे हमने कुछ खाया तो कभी मीठा लगा, कभी नमकीन लगा, कभी कड़वा लगा, तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज मीठी है, कड़वी है और नमकीन है। और यही कर्म इंद्रिय भी है कि इस शब्द जबान से हमने कुछ इस्तेमाल किया, पत्नी ने पति से कुछ कहा, पति ने पत्नी से कहा, बेटे ने बाप से कहा, नंद ने सास से कहा, बहू ने सास से कहा, नंद ने जेठानी से कहा, हमने पड़ोसी से कहा, तो 3 इंच की जबान जो है वो कमाल दिखाती है हमको। तो कबीर दास ने कहा कि अष्ट कष्ट से होता है, एक तो हमारे शरीर का कष्ट, कभी बुखार आ गया, जुकाम हो गया, कभी ठंडक हो गई, कभी टांग में दर्द होने लगा, ये तो कष्ट हमको आते रहे, हमने ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, कष्ट हो गया, ये शरीर का कष्ट है, इसका निवारण हो जाता है। जो 5 ये कर्म ज्ञान इंद्रियां है जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हीं में से कर्म भी पैदा हो जाता है, कर्म पैदा हो जाता है तो वो हमको कष्ट देता है। तो हमारी जो आशाएं हैं दूसरे के प्रति कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा या हम उसके साथ ऐसा करेंगे, वो हमको कष्ट दे देते हैं वो। और उसके बाद क्या आता है कि मन बुद्धि उस बात को डिसाइड करता है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, इस आदमी इसके साथ मैंने इतनी भलाई करी, इससे मेरे साथ कोई भलाई नहीं करी, मैं ये घर में मेरे आया तो मैंने इसका ऐसा आदर सत्कार किया, हम इसके यहाँ गए तो इसने हमको पूछा भी नहीं। तो मन बुद्धि उसको जो है उस तरह से कष्ट पैदा करती है। तभी कबीर दास ऐसे बोले कि ये 8 पात्र हैं हमारे अंदर जो कष्ट पैदा करते हैं। अब इन 8 पात्र जो हैं, अब इनके अंदर से जो कष्ट को हटाना है तो उसी को वो कहते हैं कि चित्त चेत के आवागमन विचारे। चित्त जो है इसी बात को का की चिंता करे, चित्त जो है इसी बात को देखे कि ये जो ये कष्ट पैदा हो रहे हैं हमको, इनके इसमें जो है किस तरह से जो है आवागमन से हम बाहर आए। 8ों कष्टों का आखिरी जो चित्त है उसी के द्वारा जो है ये पता लगता है कि हम उससे विचार करें, ये जो कष्ट आ रहे हैं इन कष्टों का मूल मंत्र जो है वो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, उनसे जो हमको लाभ नहीं मिलता है
तो हमको वो कष्ट जो है धीरे धीरे करके आने लगता है। ये कष्ट जो है बहुत ही जो है शांत प्रिय तरीके से आता है, और जिसका दोष जो है हम दूसरे के ऊपर रखते हैं कि उसकी वजह से कष्ट आया, हमने नहीं किया, हम तो अच्छे आदमी थे, ये कष्ट जो है ये उसकी वजह से आया। तो ज्ञान में जो है वो ज्ञान में हमारी आपकी सबकी इच्छा होती है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें मोक्ष प्राप्त हो, मन को शांति हो। तो ये प्रतिबंध है, प्रतिबंध क्या है, ये रुकावटें हैं। ये रुकावटें में कहता है कि अब ये रुकावटें जो अष्ट कष्ट की आती है, इस पे मैंने जो है बहुत अध्ययन करके देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस पे जो है पहली जो आसक्ति है हमारी आसक्ति जो है वो है सच्ची हुई है, जो है हमको आगे बढ़ने देती नहीं है। हम बार बार ये सोचते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही हमारी ये आदत रही है कि हम अपने को बहुत शरीर समझते हैं, बहुत अच्छा आदमी समझते कि मेरे जैसा कोई अच्छा है नहीं। तो हमारे अंदर जो बुराई है अगर कोई पिन पॉइंट करता भी है, बताता भी है, तो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर छोटा बताएगा तो हम उसको दबा देंगे, बड़ा बताएगा तो हम उससे जो है जवाब तलब कर लेंगे, और उससे भी बड़ा आदरणीय कोई बताएगा तो हम जो है गुस्से का घूंट पी के सह लेंगे। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये जो बात उन्होंने हमारे लिए बताई ये जो थी ये वाकई हमारे अंदर है। पहला प्रतिबंध जो है, पहली रुकावट जो है ज्ञान के अंदर, पहला बांध जो है वो जो है विषय की आसक्ति है, कि हमारी आसक्ति जो फंसी हुई है। अब आसक्ति जो है विषय में का एक ही विषय नहीं है, विषय कई तरीके के हैं, कहीं पे भी हो सकती है, किसी के खाने में हो सकती है, किसी के पीने में हो सकती है, किसी के घूमने में हो सकती है, किसी के मोह में हो सकती है, किसी के लोभ में हो सकती है, किसी के क्रोध में हो सकती है, किसी की बुद्धि में हो सकती है। मैं बोलता हूँ तो मैं ये बता सोचता हूँ कि जितने लोग बैठे सुन रहे हैं इनको कुछ नहीं आता है, मैं ही अकलमंद हूँ। अब ये आसक्ति है मेरे अंदर, लेकिन इस आसक्ति को अगर आपने मुझे बताया तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको बताया, हमने कहा हमको देखिए ऐसे बोल दिया उन्होंने, क्या हमको आता नहीं है, हमने क्या इतने से गुरु का साथ नहीं किया था क्या, क्या मुझको ज्ञान आता नहीं था क्या, या जो वो बता रहे क्या मुझको आता नहीं है। ऐसी आसक्ति कई तरीके की होती है, एक ही आसक्ति विषय की नहीं होती, विषय कोई भी हो उसमें आसक्ति होती है। इसको देखना बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि ठीक है हमको जो है पिक्चर देखने का शौक नहीं है, घर वालों को पिक्चर देखने का शौक है, तो हम ये सोचते हैं देखो मेरे अंदर आसक्ति नहीं है, मेरे अंदर कहीं घूमने जाने की जाने की इच्छा नहीं है, मेरे के अंदर पिक्चर के लिए जो है शौक नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम शौक पिक्चर का नहीं है तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, दूसरा कोई शौक कोई बात होगी जो उसमें नहीं होगी। तो ये अभिमान जो है अपनी आसक्ति को, विषय की आसक्ति को मानने के लिए तैयार, मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता। ऑलवेज हम अनुभव करते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारे अंदर वो नहीं है, ये दूसरे के अंदर है। ये जो सत्संग चल रहा था ना, ये उन्होंने उसके लिए कहा, हमारे लिए नहीं कहा, है ना। मैं तो जानता था ये मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए कहा, और देखो वो समझ नहीं रही थी। अब अपना मुंह जो है हम साबुन से धो के पोछ पोछ के पाउडर वाउडर लगा के बैठ गए। ये मैं अपने मन की परिस्थिति बता रहा हूँ, मैं तो किसी और को जानता नहीं, लेकिन मैं ये परिस्थिति बता रहा हूँ, ऐसा मेरा मन जो है नाटक करता है। तो विषय की आसक्ति को भी देखना बहुत ही जरूरी है। सबका उद्देश्य जो है न करिए, जीव का उद्देश्य क्या है, शांति प्राप्त करना, इसी की तो दौड़ होती रहती है आदमी को कि शांति मिल जाए। तो शांति के लिए, आराम के लिए, आराम राम के आने का इंतजार जो है आराम जैसे रहता है, तो उसकी उसको जो है वो बनी रहती है कि आराम आ जाए, इसी की उसको इच्छा होती है। लेकिन वो कैसे पूरी होगी, तो
तो जैसे एक प्रतिबंध हमने बताया कि आसक्ति का होता है, दूसरा प्रतिबंध जो है कबीर दास ने बताया कि मन का विच्छेद। मन का विच्छेद का क्या हुआ मतलब, ये विच्छेद माने हुआ चंचल, चंचल विच्छेद का मतलब हुआ चंचल हो गया। चंचल का मतलब ये सच्ची है, हम जब से हम बैठे यहाँ हैं और बैठे बैठे ही हमने जो है ये सोच लिया कि सर्दी बहुत है, चाय बना लेनी चाहिए। और मन जो है देखिए सत्संग में लगा हुआ है, सब कुछ है, घर से जो है हमने जो है वीडियो जो है ऑफ किया, गए गैस पे जो है दो कप पानी चढ़ा दिए, फिर आगे बैठ गए। मैं ये बात मैं सबसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि मैं औरों के लिए नहीं कर, मैं जो अपने ऊपर बीती है, मैं तो हो गया हूँ बहुत बेशरम, मैं तो हो गया इतने साल का, मुझे तो अब कोई शर्म आती नहीं है और मैं अपने मन की बात बताने में जो घबराता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है सो है, उसको ठीक करना है। डॉक्टर कहता है कि भाई बीमारी को छुपाने से हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है कि मनचंदा जी बीमारी छुपाइए नहीं, बीमारी बताइए तो मैं दवा लिखूंगा। अब आप कह रहे कि मैं तो ठीक हूँ। अब इस उम्र में एक जब थोड़ा सा बात थोड़ा सा तो घुमा देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, हंसी आएगी। हमको डॉक्टर देखता है 800 रुपए फीस देता है, उम्र के हिसाब से लोग बताते हैं कि साल में एक बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, मैं करा देता हूँ और उसको करा के ये भी देख लो वो भी देख लो, माने ना पाए सब ठीक ठाक रहे, सब टेस्ट करा के रिपोर्ट देके पहुंच गए। साल में एक बार जाना ही पड़ता है और 3-3 महीने में भी दिखाते हैं उसको कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो शरीर का धर्म है होता रहता है। अब हम डॉक्टर के पास गए, पर्चा रखा तो वो कहता है डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ जल्दी बताइए क्या दिक्कत है। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम तो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, तो वो पिछली जो दवाइयाँ होती है रिपीट करके रखते हैं, खा लीजिए। हम अपनी बुराई कमजोरी को परेशानी को बताते नहीं है, तो घर वाले कहते भाई वहां जाके बताओ कि हमको सुबह खांसी होती है या हमारा पेट खराब, कुछ तो बोलो, 800 रुपए वो ले लेता है और इसी दवा लिख देता है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान में कभी चर्चा में फंस जाते हैं बताते हैं, तो ज्यादातर हम बात जो है अपने ऊपर के काम बताते हैं। तो क्या किया कि पहला तो विच्छेद बताया कि क्या कहते हैं आसक्ति का, दूसरा चंचल का बताया कि चंचल में क्या है कि खट से हमने वीडियो ऑफ किया और दो कप जाके पानी चढ़ा दिया और फट से दूध डाल दिया, चीनी डाल दी और कह दिया उबल जाएगा तो पी लेंगे और उसको पी के फिर आके वीडियो ऑन करके बैठ गए, या वीडियो ऑन ही नहीं किया तो सब चल ही रहा है ना। सत्संग तो भगवान की कृपा है कि घर घर में आज पहुंच रहा है, ये भगवान की अदृश्य जो है गुरु जी की बड़ी कृपा है कि वो हम लोग के वो जान रहे हैं कि जैसे भी है अच्छे बुरे जैसे भी हमारे, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जी ऐसा सोचते हैं कि जैसे भी है ये अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं तो हमारी शरण में ही ना, उनके दिल में भी जो है मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं दया की जो है वो भावना आती होगी कि चलो कितना भी नालायक है कुछ भी है, चलो इसके कान में कुछ डाली दो। जब रामचंद्र जी जो है रावण को जो है मारा उन्होंने तो ज्ञान की बात करने लगे, जब वो जो है श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा दिया तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से ज्ञान की बात करने लगे, तो हमारे गुरु जी भी सोचे कि ये गधा कितना ही नालायक होगा, कितना ही पापी होगा या कितने ही इसके बुरे कर्म होंगे, तभी सोचते होंगे नहीं यार कुछ इसको दे दो कुछ कर दो। तो देखिए उनकी कृपा से अदृश्य शक्ति से वो ज्ञान जो है वो धीरे धीरे जो है वो चाहते और न चाहते हुए वो दोनों तरह से हमको मिल रहा है। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मिल रहा है, तो मैं देखता हूँ कि देखो कितनी कृपा है भगवान की कि हम चाहते हैं तो नहीं, हम नहीं चाहते हैं तो नहीं, वो जो है बेचारा हमको ज्ञान देता है क्योंकि उनको ये पता है कि विषय की आसक्ति मन की चंचलता ये जो है बहुत बड़े प्रतिबंध है, इनसे बिना जो है प्रहार किए बिना लगातार दवाई दिए फायदा नहीं करेगा। तो जैसे हमने आसक्ति के लिए बताया वैसे चंचलता के लिए भी दूसरा प्रतिबंध जो है वो चंचलता का है। इसको अगर हम देखें
तो आप लोग सैद्धांतिक रूप से हमसे सहमत होंगे कि हाँ ये वाकई सेंसर का जो है ये धीरे धीरे करके चुपे चुपे मन जो है फिसल जाता है, बैठे बैठे गाजर का हलवा बना लेता है, बैठे बैठे चाय बना लेता है, बैठे बैठे जो है वो पलानी जो है ये शब्द कल कह गई थी उसके बारे में बड़ा बुरा भला सोचने लगता है, जबकि सत्संग तो चल ही रहा है, भजन चल ही रहा है, हम सुन भी रहे हैं, बैठे भी हैं, लेकिन मन की चंचलता जो है वो काम कर रही है, वो भी जो है कष्टदायक है। अष्ट कष्टों में इसके प्रतिबंध में एक आसक्ति, एक जो है मन की चंचलता, और तीसरी जो है वो उन्होंने बताई कि कम बुद्धि। अब कम बुद्धि को हम कहेंगे कि कबीरदास खुद पढ़े लिखे थे नहीं, फिर उन्होंने प्रतिबंध में जब बताए, बांध बताए जो हमको मोक्ष की ओर गुरु की ओर सन्मुख नहीं होने दे रहे हैं, तो विषय की आसक्ति हो गई, चंचलता हो गई। तीसरा उन्होंने बताया जो कि बड़ा ही बहस का मुद्दा ऐसे मन में आता है विचारों से, तो क्या मतलब बुद्धि कैसे तीक्ष्ण की जाए, बुद्धि को कैसे तीक्ष्ण, क्या हम फिर पढ़ाई शुरू करें, फिर हम बीए एमए करें, बीटेक एमबीए करें, बैठ के पढ़ाई करें, तब बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होगी, तो क्या हमको ज्ञान कभी मिलेगा नहीं, या हमारे मन को शांति मिलेगी नहीं। कम बुद्धि को वो कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कम बुद्धि का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि जो है वहां तक नहीं पहुंच पाके अहम में डूब जाती, हमको अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। तभी गुरु जो है कभी कभी बात करते हैं तो गुरु जी की भाषा में समर्पण शब्द का प्रयोग होता है कि समर्पण समर्पित बुद्धि अगर रहेगी तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। जहां हमने जो वाद विवाद में और बहस में जो है गुरु के ज्ञान का वो एनालिसिस किया, क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर नीचे किया, तो वो बुद्धि जो है वो हमारी क्या है बुद्धि, वो कम बुद्धि, क्योंकि हम उसको वहां तक पहुंच नहीं पाते और अपने वह अहम से कम बुद्धि से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो बात समझ में आ सकती नहीं है। कम बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि बीच में हमने पहले बताया कि जब भी ज्ञान चलता है तो हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए था ही नहीं, तो फलाने के लिए था, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये क्या है कम बुद्धि। हमारे घर में कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है लेकिन हमको दूसरे के घर का कूड़ा बहुत नजर आता है, अपना कूड़ा जो है दिखाई नहीं देता, अपने कब दिखाई देगा, या अपने चेहरे पे दाग जो लगा हुआ है या अपने चेहरे पे जो काजल का निशान गलती से लग गया है वो जब ही दिखाई देगा हम शीशे के सामने जाएंगे। तो कम बुद्धि होने के कारण इसे कम बुद्धि को लोगों ने कुछ और तरीके से सोचा, हम इसको कहते हैं कम बुद्धि का मतलब होता है गुरु के सामने समर्पित बुद्धि। समर्पित बुद्धि अगर हम गुरु के सामने रखेंगे तो गुरु की बुद्धि कार्य करेगी, अगर हमारी बुद्धि काम करने लगी तो गुरु की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखिए जब तक जो है अर्जुन ने जो है समर्पित नहीं किया तो श्री कृष्ण लक्ष्मी चढ़ाते रहे, कुछ बोले ही नहीं, जब उसके हाथ पांव कांपने लगे और तीर कमान सब छूटने लगा, समर्पित बुद्धि हुई, जब उसकी बुद्धि में ये लगा कि मैं ये हमारा दोस्त है, ये गाड़ी चला रहा है, मैं इससे बात कर लेता हूँ, तो फिर जो है उन्होंने अपना जो है दया की भावना, दया की नदी जो है उन्होंने बहा, उन्होंने अपने दया की और कृपा की ज्ञान की जो भी शब्द कहिए वो सब शब्द जो है वो गुरु के प्रति कम है उन्होंने बहा। समर्पित बुद्धि की कम बुद्धि जब तक थी तब तक जो है, देखिए कम बुद्धि होती है तभी जो है बेटा माँ से बहस करता है, जब उसको ये समझ में आ जाता है नहीं माँ जो कह रही है सही कह रही है या उस क्लास में टीचर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो उसकी समझ में आता है। अभी हम लोग छोटा बच्चा स्कूल जाता है, कम बुद्धि के लिए कभी भी ये ना सोचे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग के गुरु जी तो इतना पढ़े लिखे थे नहीं लेकिन बात तो बड़ी ऊंची ऊंची करते थे वो, कि ये कम बुद्धि का इससे बुद्धि से मतलब नहीं है, कम बुद्धि का मतलब ये होता है कि जहाँ अहम से मिश्रित हमारी बुद्धि रहती है वो कम बुद्धि होती है, सुनने के कान नहीं है, सर झुकाने के लिए सर नहीं है,
परमार्थ की ओर जाने के लिए पैर नहीं है, हम अहम में टहल रहे हैं, उसे कम बुद्धि करते हैं। तभी जो है छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो आके कुछ कहता है तो टीचर ऐसे कह रही थी, मैम ऐसे कह रही थी, मैम ऐसे कह रही थी, तो एक अच्छा अभिभावक जो होगा, जो गार्जियन होगा, जो माता पिता होंगे, वो यही कहेंगे बच्चे से कि नहीं बेटा, जो वो वहां पढ़ा रही थी वो ठीक पढ़ा रही, तो समझने की कोशिश करो, हमें आके बताओ, हम किताब खोल के देखेंगे तो बताएंगे। हम किसी भी सूरत में टीचर को, अच्छा माँ बाप जो होगा किसी भी सूरत में टीचर को गलत साबित करने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो बेटे को, बेटी को ही दबाएगा कि तुम देखो, नहीं बेटा वो जो पढ़ा रही है ठीक पढ़ा रही, क्योंकि कम बुद्धि है ना, बच्चे की कम बुद्धि है। तो हम लोग ऐसे, हमारा छोटा बच्चा होता है, हम उसे गैस के पास जाने नहीं देते, गर्म कढ़ाई में सब्जी बन रही है तो उसके नजदीक जाने नहीं देते, बिजली का अगर स्विच ऑन रहता है तो उसको उसके पास जाने नहीं देते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कम बुद्धि है, कम बुद्धि का इसको इसका ज्ञान नहीं। ऐसे ही जो ये कम बुद्धि है, ये कम बुद्धि हमारी तीसरी कम कम होगी जब हम गुरु के सन्मुख होके विचारवान बनेंगे, तभी जो है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है कि हमने अपने को जो है समझ रखा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तो ये ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देता, गुरु के वचनों को ग्रहण करने नहीं देता। गुरु ने तो अपने वचन कहे, हमने सुने, एग्रीड इन प्रिंसिपल भी हो गए। एग्रीड इन प्रिंसिपल का मतलब है सैद्धांतिक रूप से हमने मान लिया कि जो आप कह रहे थे कल सत्संग में वो सही कह रहे थे, लेकिन कम बुद्धि होने के बाद अच्छा चलो छोड़ो, जो कह रहे थे ठीक ही कह रहे होंगे, ऐसे कह के हमने उसकी जो है वैल्यू कम कर। और तीसरी बात जो, चौथी बात जो है, एक हमने देख के बताया, फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये चीजें जो है ध्यान में रखेंगे तो हमें जो है मन में जरूर चलेगा कि जैसे जो हमने विषय के प्रति आसक्ति बताई, मन की चंचलता बताई, कम बुद्धि बताई, और चौथी जो थी वो तो बहुत ही भयानक है, वो है मोक्ष की अनिच्छा। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं, देखिए मोक्ष की इच्छा नहीं है, इसमें एक कठिन शब्द जो है, बड़ा कड़वा शब्द आता है कि मोक्ष की इच्छा नहीं है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भक्ति से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। हम सरल उपाय जो गुरु के सामने, तो गुरु अगर हमें मिला है, गुरु में हमारी आस्था लग गई है, तो कोई भी रास्ता जो है, कोई भी जो है दिशा जो है वो कठिन नहीं, कहीं पे कोई अंधेरा नहीं है, ये तो निश्चित निकली कि वो गुरु ही जो है संभालेगा, सब करेगा। लेकिन हम अपने मन की स्थिति को देख के बता रहे हैं कि मोक्ष की अनिच्छा, तो हमसे कहेंगे यार तो इसका मतलब हम तो बेवकूफ में जाके यहाँ सत्संग में बैठ जाते हैं, क्या हमको मोक्ष की इच्छा नहीं है? मोक्ष की इच्छा का मतलब होता है कि हम इन आसक्ति से, चंचलता से और विषय विकारों से ऊपर उठने के लिए जो इच्छा होती है उसमें क्या होता, उसमें भी एक जो है चक्रव्यूह है बनाया हुआ, कौरों की तरफ से बनाया हुआ चक्रव्यूह है जिसमें जो है अभिमन्यु फंसा था। हम उस ज्ञान के प्रति या उस गुरु के प्रति नहीं रहते, हमारा मन क्या करता है, हमारा मन करता है आशीर्वाद होता है, हमको आशीर्वाद हो जाए, मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, सस्ते में, हम सस्ते में काम को चाहते हैं, सस्ते में करते हैं, मोक्ष की इच्छा नहीं रहती है, हमको आशीर्वाद की इच्छा रहती है कि हम गए, किसी ने कह दिया इस मंदिर की मान्यता है तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे चल के हम दर्शन कराते हैं, दर्शन करने के बाद हम करते क्या है, वहां तुरंत ही अपनी इच्छाओं का एक ब्यौरा उसको पकड़ा के आते हैं, चाहे वो हनुमान का मंदिर हो, चाहे रामचंद्र जी का मंदिर हो, चाहे किसी श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे जो है गुरु ग्रंथ साहब रखा हो दरबार गुरुद्वारा हो, चाहे गुरु जी की समाधि हो, सुनिए का ध्यान से, हम तुरंत ही जो है अपनी इच्छाओं का एक पर्चा जो है वहां ले जाके छोड़ देते हैं, सिर्फ जो है थोड़ी सी मिठाई चढ़ा के, नारियल चढ़ा के, क्योंकि हमारी मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमारी जो है सुविधाओं की और जरूरतों की जो है वो है, हम वो दृष्ट देके जाते हैं और हम एक जो है बिजनेस मैन के तरीके से अंदर ही अंदर उससे बात करने के। देखिए कभी कभी जो है वो
माता की चौकियों की होती है आप सुनिए, तो कहते हैं कि मेरा काम करा दो तो आप सोने का छत्र चढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग कर देते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम हो जाए तो अगली बार हम आपके दर्शन करने आएंगे, या मंदिर जाते हैं। तो फिर ये मन की प्रवृत्ति है, हम ये नहीं कहते कि हम खराब आदमी है, हम तो अच्छे आदमी है, भगवान में लगे हुए, कभी अपने को खराब तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम खराब कहेंगे तो खराब कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। इसका तो बड़ा झमेला है पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ में, पूरे संसार में झमेला है। हम खराब तो सुनने के आदि नहीं, तो हम खराब नहीं करें तो अच्छी बात है। हम गए समाधि पे, हम गए गुरुद्वारे पे, हम गए हनुमान जी के मंदिर पे, देखिए हम गए कैसे, हम एक LIC के एजेंट की तरीके से गए कि जो है LIC की जो जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट की तरीके से गए कि आपका इंश्योरेंस कर देते, जब आपको कुछ बुराई होगी तो आपका ये भला हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरह से हम लेन देन के चक्कर में गए। कभी भी मन को देखें तो हम जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ कमी का ब्यौरा लेके जाते हैं, और हल्के से डायरेक्ट में चलते चलते पहले जाकर रुक के, यहाँ तक कि मन की स्थिति है कि सब पूजा वूजा हो गई, समाधि से लौटने लगे, 30 कदम आगे आ गए, फिर लौट के गए। अरे हमने कहा वो बात तो मांगी नहीं जो मांगनी थी, फिर लौट के गए जाके कहा। तो देखिए वो मन कहता है यार कोई भी काम जो है हमारा बिना बिजनेस के नहीं होना चाहिए, ये मन की प्रवृत्ति है। इसी को कबीरदास ने कहा कि मोक्ष की अनिच्छा है, ज्ञान किसको चाहिए, मोक्ष किसको चाहिए। मुझे तो लगता है न ज्ञान किसी को चाहिए न तो मोक्ष किसी को चाहिए, सभी को आशीर्वाद चाहिए, सभी को जो है चाहिए कि हमको आशीर्वाद मिल जाए किस तरीके से, और हमारा काम बन जाए। और हमारा काम क्या है, हमारा काम संसारिक है, हमारा काम ये है किसी को बच्चा नहीं है, कहीं बच्चा हो जाए, किसी की शादी नहीं हो रही है, कहीं शादी हो जाए, किसी को नौकरी नहीं लग रही, कहीं नौकरी लग जाए, किसी ने एक घर बना लिया तो कहता एक घर और बना लूं, किसी ने खेत ले लिया है कहता एक खेत और ले लूं, किसी की गाड़ी पुरानी हो गई है कहता नई गाड़ी ले लूं, किसी के पास रहे कहें भाई यहाँ से जाऊंगा तो मैं यही अलग सामान ले लूंगा। हम अपनी इच्छाओं के प्रति वशीभूत होके ही मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरु की समाधि पे भी जाते हैं। यही मैं अपने मन की बता रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे आदमी, मैं आप लोग की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी बता रहा हूँ। ऐसे ही करके जाता हूँ, कईयों बार 30-30 कदम मैं लौट के पीछे गया हूँ, क्या वो तो मैं कहना ही भूल गया उनको, जब वहां गया तो बुद्धि जो है बंद हो गई, कोई काम ही नहीं हुआ, जब आधे रास्ते में लौटे अरे यहाँ मैं तो मांगा नहीं उससे, तो रह गया मेरे से। तो हम अपनी इच्छाओं के समाधान के लिए भी जो है भक्ति करते हैं। अब भक्ति जब इच्छाओं के समाधान के लिए अगर हम करेंगे तो फिर ये गीता, गुरु गीता, और वो कौन सी आप कर कौन सी गीता तो बताए थे, कर्म गीता, कौन सी गीता का पाठ शुरू कर रहे थे, तो वो ये सबसे बेकार है, क्योंकि हम तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भजन कर रहे हैं ना। हम कहते भाई सत्संग में बैठो, सुबह सुबह धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ, भल कुछ भला ही होगा, भला तो ये क्या है, ऐसे कहते भयभीत हो सब प्रीति जाए, लेकिन भय क्या है कि संसार की मिली हुई वस्तुएं हमारी सलामत रहें। वन एक एक नाव तो ये कहती है कि जितनी वस्तुएं हमको मिली हुई हैं ये हमको सत्संग के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से सलामत रहे, और जो इच्छाएं हमारी है वो भी प्लस पूरी हो जाए, तो उसके लिए भी हम सत्संग में बने रहते हैं। मन करता है कि चलो चलो, अभी कोई अगर कह दे कि यहाँ से लौटते समय जाइएगा तो यहाँ पे जो है वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो कहते हैं कि उसमें जाने से जो मान्यताएं पूरी होती है, कहते चलो फिर वहीं रुक के थोड़ा चाय पी लेंगे, वही पी के वही चल देंगे। सब ये मैं अपने मन की आपको बता रहा हूँ। अब गुरु जी की समाधि से मैं लौट रहा हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है तो हम कहते चलो ऐसा करते गाड़ी वही रोक लेते हैं, चाय वही पी लेंगे। अंदर में छुपी भावना है कि उनका भी दर्शन कर लो, हो सकता है उनसे भी कुछ काम बन जाए। हमारी दौड़ जो है, क्योंकि कभी दौड़ तो पूरी होती नहीं ना, दौड़ तो ये तो मनुष्य, ये तो मीना बाजार है जिसमें जो है भगवान जी ने हमको ठेल दिया है कि हम एक के पीछे एक, एक के पीछे एक दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं,
और दौड़ती चले जाने से क्या होता है कि हम फिर उसकी उसका बीमा चाहते हैं कि हमारी जो प्राप्त हुई चीजें हैं उनका बीमा बना रहे। अभी बीमे वाला एजेंट आता है वो क्या कहता है कि देखिए आप जो है इंश्योरेंस अपना करा दीजिए तो जब कभी आपको कुछ हो जाएगा तो आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा। फिर वो कहेगा आप अपने मकान का करा लीजिए, मकान में आग लग जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए तो आपको जो है क्या बताता है वो क्या बताता है कि वो ये बताता है, वो भी जानता है, बीमा कंपनी का एजेंट भी जानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति डर की है, तो वो डर के मारे जब बीमा करा देगा। वैसे कराना चाहिए कि ना, मैं तो अब तक मना नहीं करते, लेकिन जो है वो हम भी उससे अब बीमा एजेंट के तरीके से जो है भगवान के मंदिर में गुरु जी के सामने प्रकट होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्राप्त हुई चीजों का बीमा बना रहे। मोक्ष की बात कभी नहीं करते, कभी ऐसी बात नहीं करते कि भगवान जी के पास जाए और हम ये कहें बस भगवान जी बहुत हो गया, बहुत तुमने कह लिया, बहुत हमने सुन लिया, अब हम जो है मन की शांति चाहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर मन में तभी आवाज आएगी जो कुछ है यही काफी है, क्यों ये काफी है, अगर ये भी चला जाए तो क्या दिक्कत है। वो मजबूती जो है मोक्ष की इच्छा की अगर मन के अंदर रहेगी हमारी, तभी कहते हैं कि अटल जैसे ध्रुव ने जो है तपस्या करी, ध्रुव ने तपस्या करी कि मैं जो है ये उसके पिताजी ने राज नहीं दिया, उसने कहा मैं जो है ऐसी तपस्या करूंगा, माँ ने कहा तो वो तुमको राज दक्षि देगा, तो उसे ऐसी अटल तपस्या की। तो ये भी एक जो है बहुत ही जरूरी है कि हम कीमती चीज को पकड़े, कीमती चीज संसार की नहीं है। तभी जो है उन्होंने कहा बार बार कि अष्ट कष्ट से जो है होता है लीला अगम अपारे, कि ये जो भगवान की लीला में ये अष्ट कष्ट जो होते हैं शरीर के इंद्रियों के मन बुद्धि के द्वारा जो कष्ट आते हैं, तो ये कष्ट हमारे द्वारा ही पैदा किए हों। भगवान कभी नहीं चाहता है कि वो मनचंदा जी को दुख दे, कभी नहीं चाहता है। वो क्यों चाहेगा हमको दुख देना, कौन सी अंदर दुश्मनी है। लेकिन हमारे ही कार्य ही हमारे ही कर्म ही हमको हमारी आसक्ति हमको कष्ट देती है। जब वो कष्ट देती तब हम कहते हैं गुरु जी हम तो इतना भजन आपका करते रहे, आपका ध्यान लगाते रहे और आपके सामने दिया जलाते रहे और मैंने जो है आपको इतनी बार अपमान किया फिर भी मेरा जो काम नहीं हुआ या मेरे से गलत काम आप हो गया। अभी वो क्योंकि हम तो साबुन की सीढ़ी पे चल रहे थे ना, तो उसमें गुरु क्या करता, जब साबुन की सीढ़ी पे चल रहे तो फिसलना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो फिसल भी जाएंगे। तो ये जो फैक्ट है जिसपे हम जो है बुरे का दोष जो है भगवान के ऊपर और अच्छे का दोष हम अपने ऊपर रख लेते हैं कि अच्छा किया तो हमसे हुआ, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, भगवान को देखना चाहिए था। कभी कभी बात हम लोग करते कहते भगवान जी अब देखिए हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, अब देखिए पार करना ना करना तो ये आपका काम है, आप जानते हैं अब आप करिए, हम ना कुछ करें, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, तुम ही करो सब कुछ, जो कुछ करना है तुम ही करो। ये हम ये जो है ये प्रार्थना जो है हमको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये सस्ते में होती है ना, ये सस्ते में होती है। तुम कहते भगवान तुम ही करो भैया, तुम पर जाने जाना नहार हो, तुम जो है ज्ञाता हो, तुम ज्ञानी हो, मैं जो है अपने गांव में उनके सामने जो है छोटा गया निम्न बताया और कहा करो क्या तुम करो, हम न करें, हम ना अपने मन को देखें, ना हम अपने मन की सफाई करें, ना हम अपने बुद्धि को जो है भगवान में लगाएं, ना हम कोई प्रयास करें। जो कुछ करेगा तब उसे कहते जो कुछ करेगा भगवान ही करेगा, ऐसा करके हम अपना जो है सारा का सारा बोझा जो है उसके ऊपर रख देते हैं। कहीं हद तक ये ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या अगर ऐसा ही संसार में अगर लिया जाए कि बच्चा भी जाए सारी किताब ले जाके टीचर के सामने रख दे कि भैया मैम तुम पढ़ो, तुमको सब आता है, तुम्ही पेंसिल वेंसिल छीलो, तुम्ही रबड़ वबड़ निकालो कापी से जो है लिखा तारीख वारीख लिखो, छोटा बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में जाए कहे मैम तुम्ही करो, हम तो तुम्हारे सहारे आ गए, हमने तो फीस दे दी, अब तुम्ही करो, कैसा लगेगा आपको। जब घर बच्चा लौट के आएगा या स्कूल से चिट्ठी आएगी कि आपका बच्चा कुछ करता
नहीं है, बच्चा आके टीचर के टेबल के ऊपर पटक देता है और कहता है तुम ही पढ़ो तुम ही करो, तो आप क्या करेंगे उसको, तो झापड़ लगाएंगे उसको कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, बच्चा क्यों नहीं खोलते हो, पैसे छील के लेके क्यों नहीं गए। अब उसको तो यही स्थिति देखिए, यही स्थिति हमारी है, चंद्रा जी की भी यही स्थिति है। जब क्या कुछ करना पड़ा चलो भगवान तुम ही करो, तुम ही तो जाना जानी जानन हार हो, तुम ही बलवान हो, तुम ही शक्तिमान हो, तुमने सबको दुख सबके दुख उबार सबको दुख उबारा है, मेरा भी दुख उबार उसको भी उबार दो। ऐसे हमने अर्जी लगा दी और उसकी जगह पे कह दिया कि तुम ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा करके जा रहा हूँ तो तेरे साथ में जो है रक्षा करना। देखो मैं 1 जनवरी को तुम्हारे पास आ गया, नया साल मैंने तुमको सलाम कर दिया, अब पूरे साल 365 दिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको देखोगे, मेरी रक्षा करोगे, मेरे प्लस मेरे घर वालों की रक्षा करोगे, और जो मेरे पास सुख सुविधा है वो बनी रहेगी और दूसरी सुविधाएं भी दोगे। देखिए कितनी बड़ी लिस्ट जो है अब प्रत्यक्ष रूप से पेश कर दोगे। अब वो बेचारा भी क्या क्या करे, वो बेचारा भी क्या क्या करे आपका। हर आदमी अगर ऐसे करेगा, कभी कहा कबीरदास ने कि मोक्ष की जो इच्छा वाले आदमी जो साधक है वो बहुत कम मिलते, मिल नहीं पाते। ऐसी प्रवृत्ति की बुद्धि का आदमी मैं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बुद्धि की तरह के आदमी और भी लोग होंगे। मैं कहते पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता फलाना है फलाना है, ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा जो है मैं सोचता हूँ मैं ऐसा करता हूँ और ये कितना गलत करता हूँ ये भी मैं जानता हूँ, कितना मैं गलत करता हूँ कि हम व्यापार करने के लिए चले गए और एक दिन जाके हमने 365 दिन का रजिस्ट्रेशन करा लिया और अगर भैया हाजिरी लगा देना, देख लेना हम आए हैं, हमको देख लेना, आप देखना पूरे साल देखना है तुमको, अगले साल मुलाकात होगी। तो ये जो है हमारे मन में ज्ञान की वो इच्छा नहीं रही ना, वो जिसके लिए जो है जिसकी वजह से हम भटक रहे थे उससे निकलने की हमारे अंदर इच्छा नहीं थी। तो इसीलिए धर्मार्थ की ओर ये परमार्थ की ओर, परमार्थ की तरफ होने का परमार्थ की ओर जो है हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ते, ऐसा नहीं होता फिर क्या कहते हैं हम बहुत देर से सत्संग करते क्या हुआ भाई, जैसे हैं वैसे हैं, कब तक करते रहे सत्संग, सुबह करें शाम करें कल करें परसों करें आज करें फिर करें सर्दी में करें गर्मी में करें, ये क्योंकि वो चाव नहीं आता ना, वो चाव नहीं आता क्योंकि हमें तो फायदा जो है उसमें दिखाई देता है कि भैया तुम मेरी रखवाली करना विद कंडीशन वी आर, हम लोग विद कंडीशन जो है हम जो है उपासना करते विद कंडीशन, माने न माने कालीन के अंदर दबी हुई उपासना है जो दिखाई नहीं देती है और इच्छाएं हैं जो उसकी वजह से हम उपासना करते, ऐसा प्रतीत होता है अपने बारे में। कृष्णाष्टमी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ क्या होता है, लेकिन ये मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति, इसीलिए जो है वो मन जो है वो चित्र नहीं हो पाता, मन में शांति नहीं आती, चलो 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 घूमने की इच्छा रहती, चलो चलो यहाँ चलो 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 ये पहने चलो चलो ये खाए भागदौड़ मची रहती। जब आप देखिए कहीं हमको नहीं जाना होता है, हम कहते आज हम नहीं जाएंगे तो और घर वाले जैसे जाते हैं बच्चे जाते हैं बहू बच्चे लोग जाते हैं, हवा 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 जूता कहाँ है मोजा कहाँ है ये कहाँ है वो कहाँ कंघा कहाँ है फलाना कहाँ गाड़ी आई कि नहीं आई भगदड़ मची, लौट क्या है थक गए दादू बहुत थक गए हैं हम तो बहुत आराम करेंगे, जब आराम करना था तो गए क्यों, आराम ही से आराम आना था तो फिर उसकी जाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि मन की वो है मन की चार चार है बहुत तेज भागने तो जाता है अल्टीमेटली आके फिर क्या स्तरीय आराम मिलता है कि आपने बिस्तर पे लेटा कहते हाँ ये आराम है बड़ी खान खान है। तो ये वैसे ही हमारे मन में भी हम लोग परमार्थ की तरफ जाए तो वो इच्छाओं से रखे अगर हम जाते हैं तो लेन देन का वो हो जाता है, ये प्रतिबंध हो जाते हैं विषय की आसक्ति मन की चंचलता कम बुद्धि से क्योंकि पहुंच नहीं पाते वहां तक, और मोक्ष की अनिच्छा, हमें वो इच्छा है ही नहीं, हमें तो लेन देन की इच्छा है। इसी से थोड़ा सा जो है कबीरदास जी कहते हैं कि अष्ट कष्ट जो है ये जो 5 जो है कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया जो है ये जो
इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां जो है ये, और मन बुद्धि और शरीर, ये आठों चीज मिलकर जो है हमको अष्ट कष्ट देते हैं। इसीलिए क्योंकि ये मोक्ष की अनिच्छा है, विषय की आसक्ति है, मन की चंचलता है। ऐसा हमने पढ़ा था तो हमने कहा जिज्ञासा कर देते थोड़ा सा, जैसे हो जाता है। बाकी तो भाई माफी दीजिएगा हमको, और क्या जिंदगी किनारे पे है, कभी कभी कोई गलत तो जबान है, 3 इंच की जबान है, कभी कुछ बोलते उल्टा सीधा तो फिर वो हो जाता है। अभी बात अधूरी रह गई है। क्या गलती हो गई? नहीं गलती कुछ नहीं, अधूरी रह गई है बात कि इस अष्ट कष्ट से निकले कैसे। अष्ट कष्ट निकलने तो भाई गुरु ही निकालेंगे। अब ये अष्ट कष्ट का ही ये बात आपने बहुत सही कही कि निकले कैसे, ये तो चक्रों के अंदर चलेंगे, अब निकले कैसे, अब इसकी भी बहस करनी पड़ेगी कि निकला कैसे जाए। तो ये आपने बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही बढ़िया बात। स्टडी करिएगा और बताइएगा। हाँ सही बात है, सही कहा आपने, बहुत सही कहा।